नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोक्लेम्प सेजेंटा इंडिया लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, प्रोक्लेम्प जो कि इसका टेक्निकल है एमामकिटिन बेंजोएट 5% एएसजी फॉर्म में आता है। दोस्तों, इसका काम होता है तना छेदक, फल वेदक, तम्बाकू इल्ली, गुलाबी सुंडी, गो की सुंडी, इसके अलावा कटरपिलर, माइट स्कॉर, चितकबरी इल्ली और थ्रिप्स को बहुत ही अच्छे ढंग से कंट्रोल कर लेता है। दोस्तों, प्रोक्लेम्प इंसेक्टिसाइड नॉन सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। और दोस्तों, जो दर्शक हमारे इस वीडियो पर नए हैं और जिन्होंने हमारे इस डेली खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे इस डेली खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। दोस्तों, आप बात करते हैं प्रोक्लेम्प इंसेक्टिसाइड के बारे में, तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है एमामकिटिन बेंजोएट 5% एएसजी फॉर्म में आता है। जे दोस्तों, एएसजी फॉर्मूलेशन का मतलब यानी कि ये दाने वाले फॉर्म में आता है, कुछ से जैसे आकृति के दवाई होती है। दोस्तों, क्रॉप की बात करें तो यह चना, कपास, सोयाबीन, मूंग, उड़द, बैंगन, टमाटर, मिर्ची, फूलगोभी, बंदा गोभी, मटर, बरबटी, भिंडी, फली बीन्स और मसूर, इन आदि फसलों में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों आप बात करते हैं इंसेक्ट कंट्रोल के बारे में, तो दोस्तों यह तना छेदक, फल वेदक, तम्बाकू इल्ली, गुलाबी सुंडी, गो की सुंडी, इसके अलावा कटरपिलर, माइट स्कॉर, चितकबरी इल्ली और थ्रिप्स को बहुत ही अच्छे ढंग से कंट्रोल कर लेता है, और जितने भी प्रकार के थ्रिप्स होते हैं उनको ये पूरी तरह से कंट्रोल बनाए रखता है। दोस्तों, अब डोज के बारे में बात करते हैं, तो डोज इसका जो रिकमेंडेड डोज है, एक टंकी में 8 से 10 ग्राम इसका डोज लेना होता है, यानी 15 लीटर पानी में आप इसका 8 से 10 ग्राम डोज ले सकते हैं। और एक एकड़ की बात करें तो 150 से 200 लीटर पानी में आपको 80 से 90 ग्राम डोज लेना चाहिए। और दोस्तों, प्राइस की बात करें तो इसका जो मार्केट में प्राइस है 100 ग्राम के पैकिंग में आपको 550 रुपये में अवेलेबल है। और दोस्तों, रिजल्ट टाइम की बात कर लेते हैं, रिजल्ट टाइम जो है दोस्तों 18 से 20 दिन तक इसका जो रिजल्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी वीकनेस के बारे में। दोस्तों, इसमें कुछ कमियां हैं उसके बारे में बताते हैं आपको। तो दोस्तों, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के टेम्परेचर होने की दशा में इसके रिजल्ट कम हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ आप फिरोफेनोफॉस, साइपरमेथ्रिन, अल्फामेथ्रिन, पुजनालफॉस, लैम्डासाइलोथ्रिन जैसे इंसेक्टिसाइडों को मिला करके आप इसका स्प्रे करवाते हैं तो इसका रिजल्ट आपको भरपूर मिलने वाला है। तो दोस्तों, इन दवाइयों के साथ आप इसका डोज डलवा सकते हैं तो इसका रिजल्ट आपको 100% देखने को मिलेगा टेम्परेचर होने की दशा में, यानी कि गर्मियों के टाइम में आप इस तरीके से इसका डोज ले सकते हैं। और दोस्तों, इसको आप एनपीके के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, टोनिक फंगिसाइड के साथ भी मिला करके इसका स्प्रे करवा सकते हैं। और दोस्तों, एक विशेष ध्यान देने वाली बात, खरपतवार नाशक के साथ इसका स्प्रे बिल्कुल ना करवाएं। और दोस्तों, आप बताते हैं कब इसका स्प्रे आपको करवाना चाहिए अपनी फसलों में। तो दोस्तों, जब हमको हमारी फसलों में इल्ली, थ्रिप्स का अटैक दिखे तब हमको प्रोक्लेम्प एमामकिटिन बेंजोएट 5% एस गा स्प्रे करना चाहिए। और कई किसान भाइयों का मानना है कि ये ठीक से काम नहीं करता है, तो दोस्तों टेम्परेचर होने की दशा में ये ठीक से रिजल्ट इसके नहीं आते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप प्रोक्लेम्प के साथ प्रोफेनोफॉस, साइफरमेथ्रिन, अल्फामेथ्रिन, क्विनालफॉस, लैम्डासाइलोथ्रिन किसी एक के साथ मिला करके इसका घोल बनाएं और स्प्रे करवाएं तो इसके पूरे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो पर जो दर्शक नए हैं उनसे विशेष निवेदन है कि हमारे इस डेली खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो समय से देख सकें। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए डेली खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल।